हाय, सो वेलकम टू माय दिस ब्लॉग। बेसिकली ये ब्लॉग नहीं है, एक वीडियो है होटल मैनेजमेंट के लिए। उनके लिए कुछ मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। सो जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं क्या बेसिक्स हैं, देन क्या मतलब क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड देन जिनको पता है उनको गुड फॉर यू। मैं आई टी मुंबई में हूँ, फर्स्ट ईयर। अभी फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग का क्रॉस हो चुका है, मतलब कि दिसंबर में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का। आई थिंक अच्छा ही गया, लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। एंड देन सेकेंड सेमेस्टर हम लोग का 22 जैन से स्टार्ट है। अभी विंटर वैकेशन चल रहा है। सो मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, पटना बिहार। एंड देन तो मैं कुछ डिटेल्स बताऊँगा। मैंने 2022 में ये एग्ज़ाम दिया था, तो उसका कुछ ऐसा था, फैब के 15 से हम लोग का फॉर्म स्टार्ट हुआ था। शायद वन मंथ चलता है फॉर्म फिल का, फिर बीच में करेक्शन का आता है। एंड देन हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला था 18th of May को, उस डेट को पोस्टपोन करके 18th of June कर दिया गया था। इस साल भी वही होने वाला है। दोज हु वे प्रिपेयरिंग फॉर NCHM, आई मीन होटल मैनेजमेंट और NCHM JEE एग्जामिनेशन, हम बोलूँगा कि आप अरिहंत बुक कैरी करो, मतलब उस बुक से आप पढ़ो। दे विल गिव यू गाइड, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं कि सेम क्वेश्चन पूछेगा, बट इट विल गिव यू सम गाइडेंस कि किस बेसिक्स पे कैसा फॉर्मेट वगैरह रहेगा। अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो देन गो फॉर द सैम्पल पेपर्स, आई मीन गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आपको हेल्प करेगा। और सबसे ज़्यादा नंबर आप किसी चीज़ में ले सकते हो 50 मार्क्स का आपको इसमें रहेगा। आई जस्ट फॉरगॉट दिस थिंग, सर्विस एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, सो यू कैन कैरी दिस 50 मार्क्स वेरी इजीली। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इजी है। मैंने ज़्यादा मार्क्स इजी उठाया, मेरा 50 में आउट ऑफ 50 मेरा 48 सही हुआ था। हाँ, जो बोलते हैं कि होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई नहीं है, बहुत इजी है, आई विल डू दिस, ब्रो गलत फैमिली में हो तुम, बहुत बड़े गलत फैमिली में हो। मैं भी यही सोच के आया था कि उतना पढ़ाई नहीं है, इजी पीजी है, आई विल डू दिस। बट जब तुम आओगे ना, देन यू विल रियलाइज कि क्या है ये होटल मैनेजमेंट। इट्स नॉट अ इजी सब्जेक्ट और इजी टास्क कि हाँ बहुत इजी है, कर लूँगा, निकल जाएगा, कैंपस सेलेक्शन हुआ एंड देन मज़े ही मज़े। नो ब्रो, हाँ मज़े हैं अगर तुम पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हो तो। चाहता था ये वीडियो बनाऊँ, आप लोग को दूँ, आप लोग को मतलब अपलोड करूँ, और फिर थोड़ा सा जो माइंड में है ना सेट की होटल मैनेजमेंट बहुत इजी पीजी है, नहीं है, बहुत गंदे एल लगाता है ये, ठीक है। सो देखो सिंपल थिंग, होटल मैनेजमेंट में जा रहे हो तुमको अपना टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पर्सनल टाइम रहेगा ही नहीं होटल मैनेजमेंट में, भूल जाओ। हाँ एक चीज़ और, होटल मैनेजमेंट मतलब ये नहीं होता है कि आप वेटर हो या फिर आप सिर्फ किचन का काम कर रहे हो, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये माइंड से अपने हटा लो सबको जो भी सोचते हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स बोलते हैं क्या तो सिद्धार्थ वेटर बनने चला गया, फॉर देम ऑल्सो इट्स नॉट अ वेटर थिंग। ओके, इसके यहाँ 4 डॉग है ब्रो, 4 से भी ज़्यादा होगा। जैसे मुझे भी नहीं कुछ पता था होटल मैनेजमेंट के बारे में, नथिंग, कुछ नहीं पता था, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मदद किया, वो भी सेकेंड ईयर में है। एक्चुअली हम लोग सेम क्लास में थे, बट उसने होटल मैनेजमेंट पहले सोचा, तो अभी वो सीनियर हो गई मेरी। और होटल मैनेजमेंट सिर्फ किचन से रिलेटेड नहीं है, बहुत कुछ है। जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट ईयर में मैं बता दूँ, मैं भी हूँ ऑफकोर्स, हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बता दूँ कि होटल इंजीनियरिंग नाम का भी एक सब्जेक्ट है, होटल इंजीनियरिंग, जिससे हम लोग बहुत नफरत करते हैं, बट क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, सो तुम लोग सोच रहे हो कि होटल मैनेजमेंट में हूँ और फिर ये बीएड क्यों है। सो बेसिकली दिस थिंग इज कि मैं घर आया हूँ और हमारा 15 डेज का लीव है, मतलब छुट्टी 27th को हम लोग का एग्जाम खत्म हो, उसके बाद से मैंने सेव नहीं किया, और तो इसलिए बीएड है। फिर 16 को प्रैक्टिकल है हम लोग का, 16 से लेकर 20 तक प्रैक्टिकल है। तो मैं भूल गया, चुप नहीं यार ब्रो, काय लोग को बोल रहा है तू, शट अप, फालतू बातें नहीं करते इसमें ज़्यादा, दूसरे वीडियो में कर लूँगा, वो अच्छा रहेगा। आईसीएम मुंबई के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं सोच के कुछ अलग वीडियो एक बनाऊँगा, जो आईसीएम मुंबई पे ही फोकस कर रहे हैं, तो ओके मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, अभी टाइम है उन लोगों के लिए। देयर इज़ वन थिंग ऑल्सो, माइंड सेट कर लो कि ये सब्जेक्ट ईजी नहीं है, मतलब ये कोर्स ईजी नहीं है, कोर्स हार्ड है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये माइंड सेट करके आना पहले से कि ये कोर्स हार्ड है, ठीक है। अगर इजी करके आओगे ना, तो जैसे हमारे कॉलेज में बहुत बच्चे जा रहे हैं छोड़ के ना, वैसे तुम भी चल जाओगे फीस वीस पे करके,
छोड़ दोगे कोर्स. सो फॉर दिस यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि ये सब कोर्स जो है ना ये हार्ड है. तो ओके इसके लिए तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होना चाहिए एंड बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए. माइंड मतलब कि तुम कैसे क्या अरेंज कर रहे हो अपना टाइम टेबल वगैरह एंड पढ़ाई में. एंड देन सेकेंड थिंग इज कि योर बॉडी फॉर ऑफकोर्स वर्क वगैरह करोगे उसके लिए किचन में ऑफकोर्स ज़्यादा वर्क रहता है. ओके चलो नेक्स्ट थिंग बताता हूँ. चलो ये झंडा खराब हो गया. आई मीन देख रहे हो कलर गिर गया पूरा इसका. सो मैं टांग देता हूँ. हाँ सो ये साथ ऐसा हुआ था जब मैं सर्च कर रहा था ना पिछले ईयर. मुझे भी एज लाइक मैं भी न्यू भी था ना तो मैं सर्च मार रहा था कि कैसे क्या है. तो उस वहीं पे यूट्यूब पे एक इन्फ्लुएंसर मिला था जो मुझे मतलब एक तरह से वो एजेंट था. देख बता रहा था कि प्राइवेट में एडमिशन ले लो एंड देन कुछ प्राइवेट होटल मैनेजमेंट्स के नंबर वगैरह दिया. बात करवाया बोला कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा एंड ऑल दैट. तो दैट टाइम माई फादर टोल्ड मी कि तुमको करना है तो गवर्नमेंट से करो. ये एजेंट वेजेंट के चक्कर में मत रहो, खुद पे बिलीव करो, निकल जाएगा. एंड देन हाँ निकल ही गया था. तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ अगर जानना होगा तो यू कैन डी एम मी. आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन डी एम मी, आई विल गाइड यू. मतलब गाइड नहीं, मैं कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा. तो इट विल गुड फॉर यू. वीडियो में धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आज अब सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब ठीक है, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना. वैसे मैं वीडियो पर डूड ये मुझे तब से घूरे जा रहा था. आई वाज सो एंग्री. चला गया जा रहा. मैं बोला कौन है ये है. चला गया. मैं बोल रहा हूँ कौन है वहां पे. ओके बाय गाइस, थैंक यू.